बिल्कुल सही है कि बीएसएनएल जैसी कंपनियां जब भारत में होती हैं तो प्रतिस्पर्धा देती हैं, लेकिन मेरा एक सवाल माननीय मंत्री जी से यह कहना उचित होगा कि जब आपदा आता है तो सिर्फ यही बीएसएनएल लगती है और बाकी कंपनियां ध्यान नहीं देती है, उचित नहीं होगा, क्योंकि 1000 मिलियन जब सब्सक्राइबर्स है तो सबके टावर्स होते हैं, सब चलते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपने कहा और एक रिपोर्ट आया है कोटैक इक्विटीज का, जिसमें बीएसएनएल का जो घाटा है लगभग 90,000 करोड़ है, उसी प्रकार से है जो एयर इंडिया का है। ये हमारी कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, हमारा दायित्व बनता है इनके कर्मचारियों को बचाना और इसको प्रॉफिट में लाना। महोदय, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो अभी जवाब दिया है, और इनके ही बीएसएनएल का बैलेंस शीट है, इन्होंने कहा कि प्रतिशत बढ़ा है कंज्यूमर्स का, इन्होंने कहा कि 9% से वो 10% हो गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि वर्ष 2017 में इनका आय था, जो रेवेन्यू था, वो 3,153,000 करोड़ था, और जब इनका 1% बढ़ गया है तो इनका 2018 में 31 मार्च तक आय जो है वो 1 लाख करोड़ कम हो गया है, 2,507,000 करोड़। अब इस प्रकार के आंकड़े अगर पब्लिक डोमेन में हो और हम फिर भी उसके बाद ये कहते रहे, और देखिए महोदय, आज भी हम लोग मोबाइल फोन जो यूज करते हैं वो बीएसएनएल का करते हैं, पार्लियामेंट में सभी सदस्य, और हमारा कमिटमेंट है, जब कोई टेलीफोन नहीं था तो बड़े बड़े सेट इसी पार्लियामेंट में 1996 में हम लोग को दिए गए थे, बीएसएनएल का था, आज भी हम लोग लॉयल हैं। लेकिन हमारे लिए कठिनाई है कि जब हम फोन करते हैं और फोन कटता है तो उसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है, और जब उधर से और बिलिंग होता रहता है तो देश में एक सरकार के लिए बड़े चिंता का विषय है। हर आदमी जिसके पास बीएसएनएल है वो सरकार पर उंगली उठाता है जब उस फोन को उपयोग करता है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। महोदय, ये विषय बहुत बड़ा है, जिस प्रकार से एयर इंडिया का सर्कट पूरे भारतवर्ष में हम अपना पैसा सरकार का खजाना लगा के चला रहे हैं, उसी प्रकार से बीएसएनएल को भी सरकार का खजाना लगा के चला रहे हैं, और ये कब तक चलता रहेगा माननीय मंत्री जी, इसकी दूरगामी रास्ता क्या होगा, उसके बारे में अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो उचित हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आरंभ में ही कहा कि इस विभाग के एक महीना पूर्व मंत्री बनने के साथ ही मैंने कहा था कि इसको और तेज गति हो, इस कंपनी का स्वास्थ्य बढ़े, इसके लिए मैं सारी संभावनाओं की तलाश करूंगा, और तलाश हो रही है। आपने जो एक बात कही उनके बैलेंस शीट की, उसको मैं स्वयं एग्जामिन करूंगा और उसके बारे में टिप्पणी करूंगा। श्री फारूक अब्दुल्ला, एक बात क्योंकि मैंने पूछा, तो मैंने कहा कि बीएसएनएल वगैरह देते हैं, तो माननीय रूढ़ी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस विभाग को मैंने पहले भी देखा था, कई बार प्राइवेट कंपनियां 2 दिन के लिए फ्री करती हैं नेचुरल कैलामिटी में, और बीएसएनएल एमटीएनएल जब तक कैलामिटी नहीं खत्म होती है तब तक फ्री करती है, इस दृष्टिकोण से मैंने कहा था, इसलिए ये देश हित में है कि ये कंपनियां स्वस्थ हो। श्री फारूक अब्दुल्ला जी, स्पीकर साहब शुक्रिया जो आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। मेरा स्पेसिफिक सवाल मंत्री जी से है कि हमारे बॉर्डर इलाकों में आपकी सुविधा जो है वो बहुत कमजोर है, और हमारे लोग और जो वहाँ फौजी हैं वो घर से बात नहीं कर सकते, मशीनें पड़ी हुई हैं श्रीनगर के आपके केंद्र में, मगर उनको लिफ्ट करने के लिए उन्हें बड़ा हेलीकॉप्टर चाहिए जो एयरफोर्स से चाहिए, अगर वो इनको सुविधा मिल जाएगी तो ये मशीनें जो हैं वहाँ तक पहुँचा सकेंगे, और हमारे बॉर्डर इलाकों में आपके जो बीएसएनएल की सुविधा है वो ठीक हो जाएगी, उसके बारे में मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसकी तरफ तवज्जो दीजिए, शुक्रिया। ये जो श्रीनगर की आपने स्पेसिफिक समस्या बताई है इसको मैं स्वयं देखूंगा, लेकिन हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि जो हमारे सेना के जवान बॉर्डर पर हैं वो अपने परिवार से बात कर सकें, इसके लिए बीएसएनएल ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, मैं इसकी स्वयं समीक्षा करूंगा कि और इसको मजबूत किया जाए, लेकिन श्रीनगर का विषय मैं स्वयं देखूंगा। श्रीमती संगीता यादव जी,